इट हेल्प्स नर्सेस एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स डेवलप मोर थेरापूटिक इंटरवेंशनस इन क्लीनिकल सेटिंग्स राइट इनकी थ्योरी की हेल्प से क्या है जो नर्सेस और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं ठीक है थेके? वो एक क्लीनिकल सेटिंग में पेशेंट को अच्छे ढंग से केयर जो है ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकें ठीक है आगे बात है, करते हैं मेटा पैराडाइम्स की सबसे पहले बात करते हैं मैन के बारे में यानी कि पर्सन के बारे में ठीक है एन ऑर्गेनिज्म दैट स्ट्राइव्स इन इट्स ओन वे टू रिड्यूस टेंशन जनरेटेड बाय नीड्स द क्लाइंट इज एन इंडिविजुअल विद अ विद्थ नीड ठीक है इन्होंने क्या बताया है इनका क्या कहना है कि जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो मैन है वो एक ऑर्गेनिज्म है जिनकी अपनी नीड्स को फुलफिल करने की वजह से टेंशन क्रिएट की हुई है ठीक है तो वो कैसे ना कैसे स्ट्रगल करता रहता है अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए और टेंशन्स को कम करने के लिए राइट right? आगे है सोसाइटी और एन्वायरमेंट ऑल द पेपलॉ डज नॉट डायरेक्टली एड्रेस सोसाइटी और एन्वायरमेंट शी डज एनकरेज द नर्स टू कंसिडर द पेशेंट्स कल्चर एंड मोर वेन द पेशेंट एडजस्ट टू द हॉस्पिटल रूटीन ठीक है सोसाइटी और एन्वायरमेंट के बारे में इन्होंने अपनी थ्योरी में कुछ डिस्कस नहीं किया है बल्कि इन्होंने ये बताया है कि जो नर्स है ये उसकी ड्यूटी है कि वो पेशेंट को हेल्प कर सके हॉस्पिटल के एन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए क्लियर आगे है हेल्थ हेल्थ के बारे में क्या बताया इन्होंने इम्प्लाइज फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी एंड ह्यूमन प्रोसेस टूवर्ड्स क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव पर्सनल एंड कम्युनिटी लिविंग ठीक है इन्होंने क्या कहा है कि जो हेल्थ है वो फॉरवर्ड मूवमेंट है किस चीज़ का फॉरवर्ड मूवमेंट है पर्सनैलिटी एंड ह्यूमन प्रोसेसिस की ताकि वो क्रिएटिव बन सके कंस्ट्रक्टिव बन सके प्रोडक्टिव बन सके पर्सनल एंड कम्युनिटी लिविंग उनकी जो है वो अच्छी बन सके ठीक है आगे है नर्सिंग नर्सिंग के बारे में इन्होंने क्या कहा है एंड इंटरपर्सनल प्रोसेस ऑफ़ थेराप्योटिक इंटरैक्शंस बिटवीन एन इंडिविजुअल हु इज सिक और इन नीड ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड अ नर्स स्पेशली एजुकेटेड टू रिकोगनाइज रिस्पॉन्ट टू द नीड फॉर हेल्थ इन्होंने क्या बताया जो नर्सिंग है वो एक थेराप्योटिक इंटरेक्शन है यानी कि ट्रीटमेंट को लेकर नर्स और पेशेंट के बीच में इंटरेक्शन है राइट ताकि जो ट्रीटमेंट है वो इजीली एडमिनिस्टर किया जा सके ठीक है आगे क्या है इन्होंने सिख किसको बताया है कि जो इंडिविजुअल बीमार है जिसको हेल्थ सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है और नर्स के बारे में इन्होंने क्या बताया है कि नर्स एक एजुकेटेड पर्सनालिटी uh, है जो कि रिकॉग्नाइज कर सकती हैं ठीक है ठीके? और रिस्पॉन्ड कर सकती हैं जब भी किसी पेशेंट को हेल्प चाहिए होती है ठीक है इट इन्वॉल्वस प्रॉब्लम सॉल्विंग आगे है आप डायग्राम देख सकते हो पेशेंट है एक तरफ नर्स है ठीक है दोनों के अपने वैल्यूज कल्चर रेस बिलीफ एक्सपीरियंसिस एंड एक्सपेक्टेशन है राइट अब इनमें इंटरेक्शन स्टार्ट होती है अब आप देख सकते हैं नर्स पेशेंट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ठीक है वो कैसे होता है अलग अलग फेसेस में होता है ठीक है इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे जैसे कि ओरिएंटेशन आइडेंटिफिकेशन एक्सप्लाइटेशन एंड रेजोल्यूशन फेस इनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ठीक है सो बात करते हैं हम लोग थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप की जिसके कि चार फेजेस होते हैं ठीक है अब क्या है सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओरिएंटेशन फेज के साथ तो ओरिएंटेशन फेज इज डायरेक्टेड बाय द नर्स एंड इन्वॉल्व एंगेजिंग द क्लाइंट इन ट्रीटमेंट प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशंस एंड इन्फॉर्मेशन एंड आंसरिंग क्वेश्चन फ़ेज़ की बात करते हैं इसमें नर्स और पेशेंट फर्स्ट टाइम मिलते हैं ठीक है ठीके? और क्या है जो नर्स है इस फेज़ को पूरा डायरेक्ट करती हैं वो ट्रीटमेंट के बारे में बताती हैं ठीक है ठीके? और एक्सप्लनेशन देती हैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं राइट right? और साथ के साथ पेशेंट्स के जितने भी क्वेश्चन है उसको आंसर करती है ठीक है इसको प्रॉब्लम डिफाइनिंग फेज बताया जाता है ठीक है ये सॉल्विंग फेज़ नहीं है अभी ये डिफाइनिंग फेज है इसमें जो नर्स है वो पेशेंट से प्रॉब्लम्स पूछती हैं और जो पेशेंट है वो उसको बताता है कि ये ये मेरे को

आगे क्लाइंट सीक असिस्टेंस कन्वे नीड्स आस क्वेश्चन शेयर प्री कंसेप्शन एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसिस ठीक इसमें क्लाइंट हेल्प मांगता है ठीक है असिस्टेंस मांगता है किन किन चीज़ों में उसको हेल्प चाहिए ठीक है वो मांगता है इसमें क्वेश्चन पूछता है अपने प्री कन्सेपन्स शेयर करता है एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस को वो शेयर करता है जैसे पहले उन्होंने कहाँ से ट्रीटमेंट लिया था वो कितना असरदार था नहीं था ठीक है उनको इन बातों से डर लगता है ठीक है वो सारे क्या है वो नर्स के साथ शेयर करता है और नर्स जो है बदले में वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जुट जाती हैं क्लियर अब आगे क्या है नर्स रिस्पॉन्ड्स एक्सप्लेन्स रोल्स टू द क्लाइंट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड टू यूज़ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज अब नर्स क्या करती हैं वो रिस्पॉन्ड करती हैं सारे क्वेश्चन को ठीक है उसके आंसर्स देती है आगे अपना रोल एक्सप्लेन करती है कि वो किस तरह करके पेशेंट की हेल्प करने वाली हैं ठीक है ठीके? और आइडेंटिफाई करती हैं उनकी प्रॉब्लम्स को राइट और जो वहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल हैं सर्विसेस प्रोवाइड करने के लिए उनका यूज़ करती हैं क्लियर आगे है आइडेंटिफिकेशन फ़ेज़ अब ओरिएंटेशन फ़ेज़ के बाद कौन सा फ़ेज आता है आइडेंटिफिकेशन फ़ेज़ इस फेज में क्या होता है This phase begins when the client works interdependently with the nurse, expressing feelings and begins to feel stronger. Right? अब इसमें nurse और patient जो हैं वो interdependent एक दूसरे के साथ collaboratively एक दूसरे पे depend होकर वो अपना जो है काम करते हैं राइट पेशेंट इसमें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है ठीक है और जो और पेशेंट का जो बॉन्ड है वो यहाँ पे स्ट्रांगर होना स्टार्ट हो जाता है जो क्लाइंट है वो नर्स पे बिलीव करना स्टार्ट कर देता है क्लियर आगे है सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल असिस्टेंस अब इसमें नर्स को नर्स सिलेक्ट करते कि उसने कैसे पेशेंट की हेल्प करनी है कौन सी कौन सी सर्विसेज यूज़ करनी है राइट right? आगे है पेशेंट्स बिगिन टू हैव अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड कैपेबिलिटी ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम विच डिक्रीजेज द फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस राइट क्या है यहाँ पे जो पेशेंट है उसका जो बॉन्ड है नर्स के साथ अच्छा बन रहा है और पेशेंट को भी खुद फील अच्छा हो रहा है और उसको लग रहा है कि हाँ वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ पाएगा ठीक है और जो उसकी हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस की फीलिंग्स थी वो अब समवाट रिड्यूस हो रही हैं ठीक है थीके? आगे है एक्सप्लाइटेशन फेज एक्सप्लाइटेशन में क्या होता है इन द एक्सप्लाइटेशन फेज द क्लाइंट मेक्स फुल यूज़ ऑफ द सर्विसेज ऑफर राइट एक्सप्लाइटेशन फेज में जो क्लाइंट है अब वो जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के थ्रू ठीक है उसका फुल जो लाभ है वो उठा रहा है ठीक है यूज ऑफ प्रोफेशनल असिस्टेंस प्रॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑल्टरनेटिव ठीक है अब क्या है वो अपनी हर एक प्रॉब्लम के लिए जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स से नर्सेस से ठीक है वो क्या है वो असिस्टेंस सीख करता है कि मेरी इस चीज़ में हेल्प करो मुझे वॉशरूम जाना है या मुझे ब्रश करना है ठीक है कपड़े चेंज करने हैं वो हर एक चीज़ में क्या है असिस्टेंस सीख करता है यहाँ पे ठीक है द इंडिविजुअल फील्स लाइक एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द हेल्पिंग एनवायरनमेंट अब इंडिविजुअल को लगता है कि हाँ यहाँ पे सभी मेरी हेल्प कर रहे हैं और वो इसका पार्ट है ठीक है इस एन्वायरमेंट का दे मे मेक माइनर रिक्वेस्ट और अटेंशन गेटिंग टेक्निक्स राइट आगे द प्रिंसपल्स ऑफ इंटरव्यू टेक्नीस मस्ट बी यूज इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर अंडस्टैंड एंड एडिकुएटली डील विद द अंडरलाइंग प्रॉब्लम यहाँ पर नर्स जो है वो इंटरव्यू टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं ताकि पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम है उनकी फीलिंग्स हैं ठीक है थीके? उनको अच्छे से एक्सप्लोर कर सके समझ सके ठीक है और अंडरलाइंग कॉजिस जो हैं ठीक है कि क्या उसको प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं उसको फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है और या कोई मेंटल स्ट्रेस तो नहीं है ठीक है जो कि उसकी हेल्थ को अफेक्ट करें वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकती है राइट नर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ द वेरियस फेजेस ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे नर्स को सारे कम्युनिकेशन फेजेस के बारे में पता होना चाहिए कि कब उसने वर्बल यूज़ करना है कब नॉन वर्बल टेक्निक उसने यूज़ करनी है राइट आगे नर्स एड्स द पेशेंट इन एक्सप्लाइडिंग ऑल एवेन्यूज ऑफ हेल्प एंड प्रोग्रेस इज मेड टूवर्ड्स द फाइनल स्टेप ठीक है यहाँ पर जो नर्स है वो पेशेंट की हेल्प करती है सभी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है और उसकी हेल्प करती है कि वो ईजिली वो सर्विसेज का फ़ायदा उठा सके क्लियर आगे है लास्ट फेज दैट इज़ रेजोल्यूशन फेज इसमें क्या है रेजोल्यूशन फेज द क्लाइंट नो लॉन्गर नीड्स प्रोफेशनल सर्विसेज एंड गिव्स अप द डिपेंडेंट बिहेवियर द रिलेशनशिप एंड्स ठीक है अब इस फेज़ में क्या होता है जो नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप है उसका एंड हो जाता है अब वो पेशेंट जो है वो ठीक हो चुका है राइट अब उसको जो प्रोफेशनल सर्विसेज है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है और जो उसका डिपेंडेंट बेडी अब जो उसका डिपेंडेंट बिहेवियर है वो भी खत्म हो चुका है ठीक है टर्मिनेशन ऑफ द प्रोफेशनल रिलेशनशिप ठीक है अब यहाँ पे उन दोनों का जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप था नर्स का केयर प्रोवाइड करने का और पेशेंट का केयर सीक करने का या रिसीव करने का ठीक है वो खत्म हो चुका है द पेशेंट नीड्स हैव ऑलरेडी बीन मेट बाय द कोलाबोरेटिव इफेक्ट ऑफ पेशेंट एंड नर्स जो नीड्स थी पेशेंट की अब वो पूरी हो चुकी हैं ठीक है अब वो ठीक हो चुका है ठीक है वो आगे कोई प्रोफेशनल सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है ठीक है आके समटाइम्स में भी डिफिकल्ट फॉर बोथ एज अ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस बर्सेस ठीक है अब क्या है एक दूसरे के साथ इतना साइकोलॉजिकली वो अटैच्ड हो जाते हैं कि अब जब अलग होने की बारी होती है उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी फील होती है अब पेपलॉ के अकॉर्डिंग नर्स का क्या क्या रोल है पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने में फर्स्ट एज अ स्ट्रेंजर ठीक है ऑफरिंग द क्लाइंट द सेम एक्सेप्टेंस एंड कर्टसी दैट द नर्स वड डू टू एनी स्ट्रेंजर ठीक है अब चाहे पेशेंट उसका नोन है चाहे अननोन है हमेशा पेशेंट को एज अ स्ट्रेंजर ही मिलना चाहिए क्योंकि अगर समझो किसी के साथ नर्स के पर्सनल ग्रजिस हैं ठीक है या फिर किसी के साथ ज़्यादा अटैचमेंट है वो चीज़ें उसके प्रोफेशन के बीच में नहीं आनी चाहिए उसको हमेशा अपने क्लाइंट को एज अ स्ट्रेंजर ही रिसीव करना ताकि वो बिना किसी पार्शियलिटी के साथ पेशेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर सके क्लियर आगे है रिसोर्स पर्सन जो नर्स है वो हमेशा रिसोर्सफुल होनी चाहिए राइट प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक आंसर टू क्वेश्चन विद इन अ लार्जर कंटेक्सट राइट जो नर्स है वो हमेशा रिसोर्स पर्सन होनी चाहिए क्लाइंट के लिए जो भी वो क्वेश्चन पूछे उसको वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके उसका आंसर दे सके ताकि जो क्लाइंट है वो ईजिली साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई हो जाए ठीक है आगे शी वर्कस एज अ टीचर ठीक है टीचर कैसे हेल्पिंग द क्लाइंट टू लर्न फॉर्मली और इनफॉर्मली ठीक है वो उसको असिस्ट करती है और साथ के साथ सिखाती भी है कि आगे अपनी केयर उसने कैसे करनी है राइट लीडर ऑफरिंग डायरेक्शन टू द क्लाइंट और ग्रुप ठीक है नर्स को एज अ लीडर भी काम करना है ताकि वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर सके क्लाइंट को कि आपने ऐसे नहीं ऐसे करना है ऐसे खाना है इतने बजे सोना है दवाइयाँ प्रॉपर टाइम पे खानी है ठीक है ताकि क्लाइंट को वो किसी भी ग्रुप को लीड करती होनी चाहिए ठीक है सरोगेट सर्विंग सच एज अ सब्सटीट्यूट फॉर अनदर सच एज अ पेरेंट और अ सिबलिंग ठीक है इसका जो रोल है वो एज अ सरोगेट भी है क्योंकि समझो अगर वार्ड में छोटा बच्चा है ठीक है पेरेंट्स को नहीं अलाउड है वार्ड में आना तो वो एज अ पेरेंट और एज अ सिबलिंग उसकी हेल्प कर सकती है क्लियर आगे काउंसिलर ठीक है प्रोमोटिंग एक्सपीरियंसिस लीडिंग टू हेल्थ फॉर द क्लाइंट सच एज एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स ठीक है एक अच्छे काउंसलर के तौर पे नर्स ने जो है आ, काम करना है ताकि वो पेशेंट की ज्यादा से ज़्यादा जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्लोर करने में हेल्प करा सके राइट आगे है टेक्निकल एक्सपर्ट प्रोवाइडिंग फिजिकल केयर फॉर द पेशेंट एंड ऑपरेट्स इक्विपमेंट ठीक है उसको हर एक इक्विपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए जिसको वो यूज़ में ला रही है ताकि अच्छी पेशेंट केयर जो है वो प्रोवाइड कर सके क्लियर आगे है एडिशनल रोल्स कौन से कौन से हैं टेक्निकल एक्सपर्ट हम पढ़ हैं कंसल्टेंट, हेल्थ टीचर ट्यूटर सोशलाइजिंग एजेंट सेफ्टी एजेंट मैनेजर ऑफ एनवायरमेंट मीडिएटर एडमिनिस्ट्रेटर रिकॉर्डर ऑब्जर्वर रिसर्चर ठीक है ये सारे उसके रोल्स हैं राइट आगे है इंटरपर्सनल थ्योरी एंड नर्सिंग प्रोसेस इन दोनों में क्या-क्या डिफरेंस -क्या है बात करते हैं नर्सिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है असेसमेंट होती है ठीक है तो असेसमेंट में क्या हम लोग देखते हैं जनरली कंटिन्यूस डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस में नॉट बी अ ए नीड ठीक है असेसमेंट में क्या होता है नर्सिंग प्रोसेस में हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं ठीक है वो जो सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा ठीक है एनालिसिस करके हम लोग डाटा कलेक्ट कर लेते हैं बट इसमें कोई पेशेंट की फेल्ट नीड नहीं होती है ठीक है हम लोग खुद ही सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा ठीक है कलेक्ट करते हैं ये ओरिएंटेशन फेस में क्या होता है इंटरपर्सनल थ्योरी में कि नॉन कंटिन्यूस डाटा कलेक्शन इसमें डाटा नहीं कलेक्ट किया जाता है यहाँ पे फेल्ट नीड्स होती हैं पेशेंट की एंड डेफिनेट नीड्स होती हैं क्लियर में क्या है कि पेशेंट के सिर्फ पेशेंट का सिर्फ हम लोग डाटा कलेक्शन पे नहीं फोकस करते हैं बल्कि उसकी जो नीड्स है जैसे वो बताता है कि मैं ये काम खुद नहीं कर सकता या मेरे इस काम में आप हेल्प कर दो ठीक है उन चीज़ों को इसमें कंसीडर किया जाता है नेक्स्ट हम नर्सिंग प्रोसेस में बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस एंड प्लानिंग की ठीक है इसमें हम क्या करते हैं म्यूचुअली गोल्स को सेट कर लेते हैं ठीक है और वन बाय वन उस गोल के लिए इंटरवेंशन तैयार करते हैं ठीक है बट इंटरपर्सनल फेज में क्या होता है आइडेंटिफिकेशन फेज़ होता है ठीक है इसमें इंटरडिपेंडेंट गोल सेटिंग होती है ठीक है इंटरडिपेंडेंट मींस कि दोनों ने ठीक है एक गोल सेट किया हुआ है और उसको अचीव करना है आगे है इंप्लीमेंटेशन नर्सिंग प्रोसेस में बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन की प्लान्स इनिशिएटेड टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ म्यूचुअली सेट गोल्स मे बी अकम्पलिश बाय पेशेंट नर्स और सिग्निफिकेंट अदर ठीक है अब इंप्लीमेंटेशन में क्या होता है नर्सिंग केयर प्लान में कि जो प्लान है उसको वन बाय वन करके इम्प्लीमेंट करना है एक्सप्लॉइटेशन फेज़ में क्या होता है पेशेंट एक्टिवली सीकिंग एंड ड्राॅइंग हेल्प पेशेंट इनिशिएटेड ठीक है अब क्या है इसमें पेशेंट जो है एक्टिवली हेल्प मांगता है ठीक है ना कि इम्प्लीमेंटेशन uh, फ़ेज की तरह कि जो हमने प्लान किया है वो उसको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है नो no. इसमें पेशेंट खुद बताता है कि मुझे इस हेल्प की ज़रूरत है ये ज़रूरत है वो ज़रूरत है राइट सो so, क्या है पेशेंट खुद से हेल्प के लिए डिमांड करता है यहाँ पे राइट right? आगे है इवैल्यूएशन फेज जो नर्सिंग प्रोसेस का इवैल्यूएशन फेज है उसमें जनरली हम क्या करते हैं बेस्ड ऑन म्यूचुअली एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स ठीक है मे लीड टू टर्मिनेशन एंड इनिशिएशन ऑफ न्यू प्लान्स ठीक है इसमें क्या है इवेलुएशन फेज में तो इसमें हम क्या करते हैं इवेलुएट करते हैं जो कि हमने एक्सपेक्टेड आउटकम्स रखे हुए थे ठीक है ना तो इसमें क्या है या तो बिल्कुल ही जो फेज है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का वो बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा या फिर नए तरीके से न्यू प्लान्स बनाने पड़ने हैं पेशेंट केयर के लिए ठीक है न्यू नर्सिंग केयर बनाना पड़ना है ठीक है बट रेजोल्यूशन फेज में क्या हो जाता है अकर्स आफ्टर अदर फेसेस आर कंप्लीटेड सक्सेसफुली लीड्स टू टर्मिनेशन राइट क्या होता है कि जब हमारा डिजायर्ड आउटकम अचीव हो जाता है मींस जो पेशेंट है वो बिल्कुल हेल्दी हो चुका है रिकवर हो चुका है ठीक है तो क्या है रेजोल्यूशन फेस आएगा जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है वो यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगा ठीक है प्रोफेशनल सर्विसेज उसको देनी बंद कर देंगे ठीक है और इसको टर्मिनेशन फेस बोलेंगे क्लियर दिस वॉज ऑल अबाउट पेपलॉस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी थैंक यू सो मच